भैया भैया, अरे तो चिराग बोल तो रहो, चिराग चिराग। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की सियासत यूं कहें कि पूरी तरीके से दिल्ली शिफ्ट कर गई है। लोजपा में बगावत हो गया और 6 सांसदों में से 5 सांसद एक साथ हो गए हैं और चिराग पासवान को झटका दे दिया है, चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया है। यूं कहें कि चिराग पासवान की झोपड़ी में चिराग यानी खुद से ही आग लगी और आज स्थिति यह हो गई है कि चिराग पासवान अकेला पड़ गए हैं। पार्टी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं, यानी कि पार्टी का जो सिंबल है झोपड़ी, उसको भी उसके भी छीनने का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। पशुपति कुमार पारस जो हाजीपुर से सांसद हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, उनके नेतृत्व में लोजपा के 5 सांसद एक इकट्ठे होकर के चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच करके जो लोजपा के सांसद हैं वे पार्टी पर अपनी हिस्सेदारी, अपनी दावेदारी जता रहे हैं, कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि 6 सांसद में 5 सांसद हमारे साथ हैं, इसलिए लोजपा हमारी है, लोजपा पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए क्योंकि 5 सांसदों ने हमें नेता चुन लिया है। इसी बीच जब पारस चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे थे, उसके बाद चिराग पासवान पारस के आवास पहुंचते हैं। यूं कहें कि जिस तरीके से चिराग पासवान बीती रात से, जिस तरीके से आज सुबह होने तक, आज दोपहर होने तक जिस तरीके से चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया, जब 6 सांसदों में 5 सांसद चिराग का साथ छोड़ करके पारस के साथ मिल गए, इसके बाद चिराग सीधे तौर पर सरेंडर कर दिया है और पारस के घर पहुंच गए हैं। जिस चाचा पारस, पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा हैं, उनके घर पर पहुंचे हैं और 10 मिनट से अधिक समय वहां पर बीत गया, इसके बाद भी चिराग के लिए दरवाजा नहीं खुला। चिराग पासवान खुद गाड़ी चला करके, गाड़ी ड्राइव करके अपने चाचा पारस के घर पहुंचे थे, लेकिन पारस का दरवाजा चिराग के लिए नहीं खुला। वे लगातार गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाते रहे, लेकिन चिराग के को माफी देने का कोई सवाल नहीं था। गेट पर जो तैनात संतरी थे, जो प्रहरी थे, साफ मना कर दिया कि मुझे खोलने की इजाजत नहीं है। जब इजाजत नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम गेट नहीं, हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। चिराग पासवान गेट पर ही, अभी भी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस समय तक चिराग पासवान अपने चाचा के दरवाजे पर गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजा रहे हैं और खोलने का मनुहार कर रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें एंट्री वहां पर नहीं मिल रही है। आखिर यह नौबत क्यों आई? लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान का बेटा कि आखिर यही स्थिति क्यों हुई? क्योंकि चिराग पासवान पिछले एक साल से तमाम पार्टी के नेताओं को नाराज करते चले आ रहे थे। कई पार्टी के नेता तो इनके व्यय से, यानी कि आचरण और व्यवहार से पार्टी छोड़ करके चले भी गए। कई अंदर ही अंदर घूम करके पार्टी में रह रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर के लड़ा, तब भी पार्टी के जो सांसद थे इनके निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन प्रेशर में वे चुप रहे। अब जाकर के पारस के नेतृत्व में 5 सांसद ने बगावत कर दिया है, यूं कहें कि पार्टी पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की है। चिराग ने सरेंडर कर दिया है और अपने चाचा के घर पहुंचे हैं मान मनौवल के लिए कि आखिर अब ऐसा परिवार में इस तरीके की फूट नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लोजपा ने 2020 में नीतीश कुमार को पटकनी देने की पूरी कोशिश की, लोजपा के तमाम नेताओं से बिना कोई विचार विमर्श किए, सांसदों से बिना कोई विचार विमर्श किए उन्होंने एनडीए गठबंधन से अलग होकर के जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ में अपना प्रत्याशी दिया और इस वजह से जेडीयू को करारी हार हुई। चिराग पासवान को खामियाजा भुगतना पड़ा। भले ही वे एक सीट, उनका एक विधायक जीत करके आया, लेकिन हालांकि वो विधायक भी इनके साथ नहीं रह पाए, वो विधायक भी जेडीयू में शामिल हो गए। इसी बीच अब जो है, पहले विधान परिषद में लोजपा समाप्त हुई, विधानसभा में समाप्त हो गई लोजपा, और अब जो है लोकसभा में, यानी कि 6 सांसदों में से 5 सांसद ने बगावत करके अलग गुट बनाने का निर्णय ले लिया है। कल रात उन्होंने ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको बजाप्ता पत्र के माध्यम से सूचित भी कर दिया है, मुलाकात भी कर ली है। इस तरीके से लोजपा, चिराग पासवान की लोजपा खात्मे के कगार पर है। जब उन्हें एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई तो माफ़ी मांगने के लिए चिराग पासवान अपने चाचा पारस के घर पहुंचे, 10 मिनट तक गेट पर इंतजार करते रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन घर से
घर में एंट्री की इजाजत नहीं मिली। दूसरी तरफ इनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस पार्टी पर कब्जा को लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर में मौजूद हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ वे बातचीत कर रहे हैं। तो लोजपा की यह कहानी लगातार आज दिन भर चलते रहेगी। अभी तक का अपडेट यही है कि चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया है चाचा के सामने। जब चाचा के साथ 5 सांसद आ गए और खुल करके उन्होंने मीडिया में कह दिया कि पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, इस लिहाज से हमें रामविलास के सपनों को खत्म नहीं होने देना है, हम आगे आए हैं और पार्टी को बचाने के लिए पार्टी को बचाने का यह प्रयास है और हमारी पूरी कोशिश है कि लोजपा में से जो नेता बाहर चले भी गए हैं वे फिर से वापस आएँ। हम उसी सिद्धांत की राजनीति करेंगे जो राजनीति रामविलास पासवान किया करते थे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।